फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल होम श्रृंगार। कैसे हैं आप सभी लोग? होप अच्छे ही होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज एक और किचन हॉल मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके संग टोटल 10 प्रोडक्ट शेयर करने जा रही हूं। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मैं आपको पहला प्रोडक्ट दिखा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, हम सभी की किचन में काफ़ी काम आने वाला है, तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सिलिकॉन के बने हुए हैंड ग्लव्स हैं। इनको हमें अपनी फिंगर्स में वियर करना होता है इस तरह से। और देखिए, जब आप इससे इस तरह से वियर कर लेते हैं तो कोई भी हॉट जो वेसल होता है उसको आप इजीली उससे पिक कर सकते हैं। देखिए, ये मेरे पास एक कास्ट आयरन की कढ़ाई है, काफ़ी गर्म हो जाती है तो इसको कपड़े वगैरह से उठाने में मुश्किल होता है। अगर आप इस टाइप के ग्लव्स खरीद लेते हैं तो आप गर्म से गर्म बर्तन है उसको ईजिली उठा सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल है। 125 रुपीज़ में एक पेयर ये मैंने ख़रीदा है। चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक कोस्टर का सेट है, वुडन कोस्टर्स हैं। और इसमें जो साइड में आप देख रहे हैं ना, एक केस टाइप का दिया है, ये रॉट आयरन का बना हुआ है, ब्लैक कलर का इस पर पेंट किया हुआ है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग सा है, स्टर्डी है, लंबे टाइम तक चलने वाला है और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पर ये मिल रहा है। केवल 161 रुपीज़ में ये मैंने लिया है। इसमें देखिए, जो वुडन के कोस्टर्स यूज़ किए गए हैं काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के हैं। देखिए कितने शाइन कर रहे हैं। और हर कोस्टर के ऊपर आपको एक पैटर्न टाइप का बना हुआ मिलेगा। क्वालिटी सभी की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो अगर आप ये पसंद कर रहे हैं तो आप ले लीजिए। स्क्वायर वाला शेप में देखिए, साइड में इसमें कट लगा है, तो इसको आपको कोस्टर्स निकालना भी काफ़ी ईजी रहता है। एक और ऑप्शन यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाली हूँ, तो चलिए सेकेंड ऑप्शन को भी ओपन कर लेते हैं। अभी जो मैंने आपको कोस्टर्स दिखाए थे फ्रेंड्स, वो स्क्वायर शेप में थे, और ये देखिए, ये राउंड शेप के कोस्टर्स हैं। और इसका जो फ्रेम है, जो इसका केस दिया गया है कोस्टर्स रखने का, वो भी थोड़ा डिफरेंट सा है। तो देख लीजिए, डिज़ाइन थोड़ा सा मैचिंग ही है, दोनों वुडन के ही हैं। और देखिए, क्वालिटी भी दोनों की सेम ही है। ये 166 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। दोनों में से आपको जो भी पसंद आ रहा है उसको आप खरीद सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं। और ये जो मैं आपको प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, कई जगह पर हमारे घर में काम आता है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, ये एक सोप डिस्पेंसर है। केवल 196 रुपीज़ में इसको मैंने लिया है। बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का है। कलर्स आप इसमें देख सकते हैं, काफ़ी सारे कलर्स आते हैं। तो चलिए पहले इसको ओपन करते हैं और इसका डिज़ाइन दिखाते हैं। देखिए, बिल्कुल डायमंड डिज़ाइन है इसका, जैसे डायमंड कट्स होते हैं ना, सेम वैसे ही कट्स इस डिस्पेंसर के इस बॉटल पर बनाए गए हैं। और चलिए इसका पंप भी आपको दिखा देते हैं। देखिए कितना प्रीमियम डिज़ाइन का इसका पंप साथ में मिलता है। तो इसमें आप अपना हैंड वॉश वगैरह है या उसको बाथरूम में, किचन में, कहीं पर भी इसको यूज़ करा जा सकता है। डिज़ाइन भी इसका बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है, तो इसको परचेज़ किया जा सकता है। चलिए एक और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल सा आपको मैं यहाँ पर प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा काम आता है। देखिए, ये एक एडिसिव हुक है और इसमें आपको 6 हुक्स मिल जाएंगे एक ही स्लिप के ऊपर। तो देखिए, और ये जो हुक्स हैं, इसमें भी आपको पैरेलल 2 हुक्स मिलते हैं, एक नीचे स्मॉल हुक और एक ऊपर मीडियम हुक मिल जाता है साइज़ में। और इसको पील करके आप किसी भी वॉल पर लगा सकते हैं। और इसकी कैपेसिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मतलब 6 हुक्स एक साथ दिए जा रहे हैं तो कैपेसिटी तो अच्छी होनी बनती ही है। तो इस पर आप 10 kg तक वेट भी लोड कर सकते हैं, कुछ भी ख़राब नहीं होने वाला है। वॉशरूम में लगाना है लगा सकते हैं, कुछ भी ड्रिल करने की ज़रूरत नहीं है। टाइल्स वगैरह पर भी बहुत बढ़िया से स्टिक हो जाता है। तो देखिए, इस पे आप अपने डेली के बाथरूम में सामान रख सकते हैं, की होल्डर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, किचन में छोटे मोटे आइटम हैंग करने के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। इसको आप, जैसे आपकी कोई वॉल होती है ना, उसमें कुछ कॉर्नर टाइप का दिया होता है वॉल पर, तो आप इसको ट्विस्ट कर भी लगा सकते हैं, काफ़ी फ्लेक्सिबल है ये वाला हुक। चलिए एक और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल सा प्रोडक्ट दिखा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक मैंने मेकअप मिरर मंगाया है। इससे आप मेकअप करते हैं, इसे कहीं पार्टी वार्टी में बाहर जा रहे हैं, कार में हैं, कहीं बाहर हैं घर से, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक फ़ैन भी दिया गया है और एक LED इसमें लाइट दी गई है मिरर के चारों तरफ। और देखिए, इस मिरर में ऊपर की साइड एक फ़ैन दिया है, अगर आपको स्वेटिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस फ़ैन से हवा भी ले सकते हैं।
चार्जिंग के लिए आपको केबल भी मिल जाएगी, मोबाइल के जो अडॉप्टर होता है उससे इसे चार्ज किया जा सकता है। अब मैं आपको इसकी एक प्रॉब्लम दिखाती हूँ। मिरर मैंने ऑर्डर किया लेकिन इसका मिरर ही टूटा हुआ मुझे रिसीव हुआ। मे भी शायद कुरियर वालों से ही टूट गया होगा, पैकेजिंग में टूट जाता है। तो इसको मैं रिटर्न नहीं करूँगी, इसको मैं एक्सचेंज करके दूसरा पीस मंगाने वाली हूँ। इसमें एक्सचेंज पॉलिसी भी है, वैसे क्वालिटी इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आप ऑर्डर करने की सोच रहे हैं तो कर लीजिए। मिरर टूटना तो एक नेचुरल सी बात है, मिरर है इसलिए शिपिंग वगैरह में टूट जाता है। तो मैं इसे एक्सचेंज करूँगी और एक्सचेंज करके मैं इसको दोबारा से मंगाने वाली हूँ। आने वाले आपको वीडियो में इसका रिव्यू फिर से मैं आपको दूंगी। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे मिरर लगा होता है, साइड में LED लाइट्स भी होती हैं, तो मेकअप बहुत ही क्लीन हो जाता है। और फ्रेंड्स ये इतना कॉम्पैक्ट है कि इसको आप अपने पर्स वगैरह में रखकर कहीं भी ले जा सकते हैं, रिकमेंडेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए अब जो मैं आपको प्रोडक्ट दिखा रही हूँ ये हमारे किचन में बहुत ही ज़्यादा काम आता है। इसको मैं पहले भी रिव्यू कर चुकी हूँ पर आप लोग की डिमांड पर इसको मैंने फिर से मंगाया है, क्योंकि वो वाला मैंने किसी को गिफ्ट में दे दिया था। इस प्रोडक्ट की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, इससे अच्छा मैंने नट स्लाइसर देखा ही नहीं है। इससे इतना इजीली आप नट वगैरह को स्लाइस कर सकते हैं। देखिए पीछे की साइड से एक लीवर लगा है, जब आप उसको अपनी साइड कर लेते हैं तो इसका ब्लेड थोड़ा सा उठ जाता है तो स्लाइस थोड़े बड़े बड़े आते हैं। और देखिए इससे जो कैश्यू है, आमंड है, छोटे छोटे पीस भी बहुत ईजिली कट हो जाते हैं। ऊपर देखिए एक ये सेफ्टी हमको किट भी मिलती है, ये ऊपर एक बॉक्स टाइप का बना है, इसमें आपको कैश्यूज़ वगैरह डालने होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम कुछ कैश्यूज़ को ही स्लाइस करके देखते हैं। ऊपर से देखिए सेफ्टी कैप लगा देते हैं, बहुत ही ईजिली जो कैश्यू हैं देखिए स्लाइस होते जा रहे हैं, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और देखिए सेकेंड्स में सारे कैश्यू स्लाइस होके नीचे वाले कंटेनर में आ चुके हैं। कैश्यू थोड़े सॉफ्ट होते हैं। चलिए अब हम आमंड्स को भी ट्राई करके देख लेते हैं। काफ़ी सारे आमंड्स इसमें मैंने डाल दिए हैं और चलिए अब इनको स्लाइस करते हैं। और आमंड्स भी बिल्कुल ईजिली स्लाइस होते जा रहे हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। जो वॉलनट्स वगैरह होते हैं उसको भी आप इसमें स्लाइस कर सकते हैं, पिस्ता वगैरह कुछ भी स्लाइस करिए, सब बहुत ही ईजिली और मिनटों में काम हो जाता है। और देखिए कितना बारीक ये स्लाइस हो गया है, तो मेरे तरफ से इसके लिए डबल थम्सअप है, इसको तो ज़रूर ही परचेज कर लीजिए। नेक्स्ट जो मैं आपको प्रोडक्ट दिखा रही हूँ ये हमारे किचन में डेली ही काम आता है। यहाँ पर मैंने अपने फ्रिज में रखने के लिए कुछ वेजिटेबल स्टोरेज बैग मंगाए हैं और देखिए ये कॉटन के बने हुए हैं, बहुत ही बढ़िया इसमें फैब्रिक यूज़ किया गया है। टोटल यहाँ पर मुझे 6 बैग्स रिसीव हुए हैं, 2 बैग्स लार्ज साइज़ के हैं, देखिए इतने बड़े, 2 मीडियम साइज़ के और 2 स्मॉल साइज़ के हैं। इनको बंद करने के लिए हमको एक स्ट्रिंग दिया गया है, इसमें आप वेजिटेबल डालिए और स्ट्रिंग से टाइट कर दीजिए। और इसमें इसके माउथ काफ़ी ब्रॉड है, वेजिटेबल्स बड़ी साइज़ की भी इसमें आ जाती हैं, रीयूजेबल है तो इसको आप बार बार धो के यूज़ कर सकते हैं। हेल्थ के लिए भी काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है ये। चलिए एक और बहुत ही यूनिक सा मैं आपको प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनको ये वाला प्रोडक्ट काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। ये एक फीडर ट्रे है, मतलब छोटे बच्चों की प्लेट है जिसमें बच्चों को हम खाना खिलाते हैं। अक्सर छोटे बच्चों को खाना खिलाते हैं तो वो हाथ वगैरह मार देते हैं तो जो हमारा बाउल होता है स्लिप हो जाता है और बाउल का सारा सामान गिर जाता है। पर देखिए ये इस टेक्निक से बनाया गया है कि चाहे हम बाउल को कितना भी हिलाएं जो हमारा बाउल है वो हमेशा स्ट्रेट ही रहता है, कितना भी हिलाएंगे बाउल सीधा रहेगा तो सामान नहीं गिरेगा। बच्चों का खाना अक्सर गिर जाता है तो वेस्ट हो जाता है। बाउल काफ़ी यूज़फुल है, मैंने इसको ट्राई करके भी देखा, हर तरह से हिला के भी देखा, यूज़फुल है ये बहुत ही ज़्यादा। और अगर कुछ खाना बच जाता है तो एक कैप भी मिलती है, उससे आप इस बॉक्स को बंद कर सकते हैं, एयर टाइट है, बढ़िया है। नेक्स्ट जो मैं आपको प्रोडक्ट दिखा रही हूँ देखिए कितनी बढ़िया सी पैकिंग में आया है, पैकिंग से ही आप समझ गए होंगे कि ये क्या है। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं फटाफट से। और देखिए बाहर आ चुका है हमारा ये एक जो हमारे बड़े साइज़ के लैडल्स वगैरह होते हैं ना उसको रखने के लिए ये एक होल्डर है। अक्सर हम लोग के पास कटलरी होल्डर्स ही होते हैं, उसमें फोक और स्पून या नाइफ वगैरह ही रख पाते हैं। तो देखिए थोड़े बड़े साइज़ में है, इसमें आप लैडल्स वगैरह रख सकते हैं। वुडन का जो सेट आता है पूरा इसमें आ जाएगा और जो भी आपके डेली नीड्स के लैडल्स वगैरह हैं वो भी इसमें आ जाएंगे। कलर भी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है और प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल है, 207 रुपीज़ में इसको मैंने लिया है। आज का वीडियो यहीं तक था फ्रेंड्स, होप आपको जो मैंने आज 10 प्रोडक्ट्स दिखाए हैं आपको सारे ही पसंद आए होंगे, सारे हैं भी काफ़ी यूज़फुल। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे वीडियो देखते रहिए और अपना खूब सारा ख्याल भी रखिए।